दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इतिहास के पन्नों से एक दिलचस्प कहानी लेकर। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले राजाओं बादशाहों का शासन हुआ करता था। वक्त के साथ ही शासक बदलते रहते थे, सत्ता परिवर्तन होता रहता था, रोज नया इतिहास गढ़ा जाता था और राजमहल से लेकर युद्ध के मैदानों तक रोज कोई ना कोई हैरतअंगेज कारनामे होते रहते थे। बहुत सी कहानियाँ तो सामने आईं और बहुत सी कहानियाँ उनके बदकिस्मत सम्राटों की तरह भुला दी गईं। आज एक ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर फिर हाजिर हुआ हूं जो इतिहास के प्रति आपकी दिलचस्पी बढ़ा देगी। भारत में मोहम्मद गौरी का नाम कौन नहीं जानता होगा, वही मोहम्मद गौरी जिसने पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद दूसरी बार में पृथ्वीराज चौहान को हरा कर दिल्ली पर कब्जा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मोहम्मद गौरी दिल्ली को जीतने के बाद दिल्ली की सत्ता अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गजनी वापस चला गया। ये दिलचस्प कहानी मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच की है। बात उन दिनों की है जब मोहम्मद गौरी गजनी और खुरासान का सम्राट था। तब मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को एक बड़ी सेना देकर भारत की ओर भेजा। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिंध नदी पार कर सर्वप्रथम लाहौर पर हमला किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक असरशाली सम्राट बन लाहौर में ही रहने लगा। एक बार सम्राट गौरी के दरबार में उपस्थित कुछ सदस्यों ने कहा कि हुजूर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपकी आधीनता छोड़कर स्वयं खुद को सम्राट घोषित कर दिया है। मोहम्मद गौरी के कुछ चचेरे भाइयों ने कुतुबुद्दीन ऐबक की खूब बुराई की। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का बहुत खासम खास था। मोहम्मद गौरी को इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन बुराई करने वाले इतने दावे से अपनी बात कह रहे थे कि मोहम्मद गौरी सोच में पड़ गया। वो रात को इसी सोच में था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास एक बड़ी सेना थी और कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं बहुत बड़ा वीर योद्धा था। उधर जब ये बात कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसे पता था सम्राट मोहम्मद गौरी को गुस्सा आना मतलब उसका खात्मा, उसका सर्वनाश, उसका नामो निशान मिट जाना। उसकी आंखों के सामने खौफनाक मंजर घूमने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिन में ही सपने आने लगे कि सम्राट मोहम्मद गौरी सिंध नदी पार कर लाहौर की तरफ बढ़ रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक पसीना पसीना हो गया, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बस उसने घोड़ा लिया और अकेले ही रात को गजनी पहुंच गया। मोहम्मद गौरी के सामने नतमस्तक हो गया और सारी बात बताकर फिर सम्राट मोहम्मद गौरी के राज सिंहासन के नीचे छिप गया। दूसरे दिन जब सम्राट मोहम्मद गौरी की सभा लगी तो सम्राट मोहम्मद गौरी ने उपस्थित सभासदों से कुतुबुद्दीन का समाचार पूछा तो उन लोगों ने फिर पहले की तरह कुतुबुद्दीन ऐबक की बुराई शुरू कर दी। एक सभासद ने कहा कि मुझे तो अब पक्का यकीन हो गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र सम्राट बन बैठा है। इतना सुनकर सम्राट मोहम्मद गौरी ने सिंहासन पर पैर मारा और ताली बजाकर जोर से कहा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ने उत्तर दिया, महाराज उपस्थित, और सिंहासन से निकलकर कुतुबुद्दीन भरी सभा में उपस्थित हो गया। इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक के निंदक बहुत लज्जित हुए, बहुत शर्मिंदा हुए और मारे डर के धरती को चूमने लगे। तब गौरी ने कहा, इस बार तो तुम लोगों को माफ किया, परंतु अब कभी मेरे सामने कुतुबुद्दीन के विरुद्ध एक शब्द भी न कहना, वरना इसका हश्र बहुत बुरा होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियो को देखते रहें।